तो यो बी डूज एंड वेलकम बैक टू आयरन मिडिल जोन, जहाँ पर आपको बेब्लेड से रिलेटेड कॉन्टेंट रेगुलरली मिलती रहती है। तो यार आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई यार टर्बो बेस जो है वो टाइगा के बेब्लेड को बनाने का आइडिया कहाँ से मिला, यानी कि इंस्पिरेशन या फिर कहाँ से मिला, और जानेंगे कि टर्बो बेस के पास कितनी पावर है और टर्बो बेस कहाँ से बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो फुल्ली देखना जिससे तुमको फुल इन्फॉर्मेशन पता चले, वरना तुम कमेंट में जैसे तैसे कुछ भी कमेंट कर देते हो, मैंने देखा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो बहुत ज़्यादा होगी टाइम बकवास है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो आइगर की डैड है उनको लगा होगा कि जो नॉर्मल स्किल यूज़ होता है बेब्लेड में उसे क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनको उससे आइडिया आया होगा कि हम लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है जो स्किल यूज़ करते हैं मूर्ति बनाने के लिए उसको उन्होंने बेब्लेड पे टेस्ट किया, और मतलब जो अलग मेटल है उसको यूज़ किया और उन्होंने बनाया टर्बो पे। आइडिया तो उनको बे को इवॉल्व करने का आइडिया आया होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे बेब्लेड्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करने का आइडिया आया, तो इसलिए उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। और जो मूर्ति में मेटल यूज़ करते तो उन्होंने सोचा होगा कि उस मेटल को हम लोग बेब्लेड में डालें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा। और जो टर्बो बेस है वो बनते हैं सुपर जस्ट टू मेटल, यानी कि टर्बो मेटल्स। उसका मतलब एक टर्बो मेटल होता है, जो टर्बो मेटल बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और टर्बो मेटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टर्बो बेब्लेड इसी से बनते हैं। और हमने देखा है टर्बो बेस की कितनी पावर है। अगर मैं बात करूँ टर्बो बेस की पावर, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टर्बो बेस होते हैं। मतलब तुम लोगों को याद होगा जब वर्ल्ड ने लॉन्च किया था टर्बो बी, तो छट उड़ गई थी, और टर्बो बेस इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जब उनका डार्क वर्जन होता है तो डार्क वर्जन तो इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है टर्बो बेस का। और जो मतलब जो बीब्लेड से टर्बो बेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबको याद होगा वर्ल्ड के लॉन्च से यार भाई घर की छत उड़ गई थी। तो समझो यार, अगर ऐसे टर्बो बेस एक साथ बहुत सारे लॉन्च की दी जाए पूरी पावर के साथ, तो वो समझो यार भाई यार एक सिटी उड़ा सकती है, मतलब यार एक जगह को विस्फोट करने के लायक है। अगर बहुत सारे टर्बो बेस एक साथ फुल पावर लगा के करें तो विस्फोट तो हो ही जाएगा। और टर्बो बेस की पावर लिटरली बहुत पावर है, और एवोल्यूशन या फिर सीजन वन के बेब्लेड से भी बहुत पावरफुल है। और एक फैक्ट बताता हूँ, जो फैक्ट है बेब्लेड टर्बो में इंग्लिश में उसको टर्बो स्टील कहा जाता है, और जब तुम उसको जापानीज या फिर जापानीज में सुनोगे तो उसको कहते हैं सुपर जस्ट टू स्टील, मतलब सुपर जस्ट टू क्या कह सकते स्टील या फिर मेटल, सुपर जस्ट टू मेटल। और टर्बो के इंग्लिश डब में तुम इसको टर्बो मेटल कह सकते हो, या फिर हिंदी डब में भी टर्बो मेटल कह सकते हैं। और ये से मेरी थ्योरी थी, तो इसको ज़्यादा से दिल पे मत लेना। तो हाँ, आज का वीडियो इसके तहत अगर वीडियो पसंद हो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बिस्मिल्लाह और खुदा हाफिज़।